आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। आप विधानसभा सत्र चल रहा था जिसमें आपको डुमरियागंज की आवाज उठाने का मौका मिला, साथ साथ आपको एक दिन का जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करूँगा, उन्होंने ये मौका मुझे दिया और मैंने जो आवाज उठाई है डुमरियागंज की सारी सच्चाई है। और मैंने जो पहले दिन आवाज उठाई थी भवानीगंज का, जब स्पीकर साहब ने कहा कि आप अपने यहाँ का कोई बात बताइए, तो मैंने बताया कि जो भवानीगंज में करीब एक महीना हो गया था, लेकिन अभी जबकि कलमबंद बयान भी हो चुका था लड़की का, जो गैंग रेप हुआ है धर्मपुर धौरारा की एक लड़की है, दलित लड़की, उसके साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन महीनों बीत गए थे, उसको जो मुजरिम थे उसको जेल नहीं भेजा गया था, इसलिए मैंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई। और भी जो जब मुझे और मौका मिला बात करने का, तब भी मैंने अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को कहा। आप लोगों ने देखा ही होगा, ये सिरे सारा मेरी डुमरियागंज की जनता को जाता है कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, और उन्हीं का प्यार और दुलार था और आशीर्वाद था कि मैं सारी बातें बोल पा रही। एक दिन का सत्र भी चलाया गया था विधानसभा का जो केवल महिलाओं के लिए था, उसी में आपको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया, एक दिन के लिए आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे और इसका श्रेय किसको देना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा लगा, वहाँ के जो स्पीकर साहब महाना जी थे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन लोगों ने मुझे इतने प्यार से जो मौका दिया उस पर बैठने का, मुझे कहा और बहुत अच्छा लगा, हमें बराबरी का हक मिला, जो मेरा हक होता है, महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं था, महिला और पुरुष बराबर होते हैं, मुझे एहसास हुआ कि आज बराबर हम लोगों को किया गया।